हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आपको ये आज का जो क्लास है वो हमारा मेंस मैराथन क्लास है, मेंस का एक मैराथन क्लास आपके लिए। ओके, इस मैराथन क्लास में मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं जो कि आपको काफी हाई चांसेस है आपको एग्जाम में आने का। ओके, एग्जाम में आने का काफी हाई चांसेस है आपको। आप देखना, पूरा लेक्चर देखना। एक और अनाउंसमेंट करनी है कि क्रिटिकल रीजनिंग का फ्री कोर्स चैनल पर लॉन्च होने वाला है, तो चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पजल का फ्री कोर्स आपको चल रहा है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ ना कि पजल का जाने में मैंने जितना भी लेक्चर बनाए हैं उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छे हैं उनका भी एक आपको सारे वीडियोस को कंबाइन करके एक आपको महा एपिसोड दे दूं, जैसे आज का ये महा एपिसोड होने वाला है। ठीक है, तो चलो बिना देर करते हुए हम लोग मूव करते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। नए हो चैनल पर तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें मैंने क्या किया है ना कि कुछ तुम्हारे हिंट जो है वो मैंने लिख के रख लिए, क्योंकि अगर मैं ये हिंट लिख के नहीं रखूंगा ना तो फिर ये आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम काफी इंपॉर्टेंट है अभी आपका आपका प्रिपरेशन के लिए, एक एक मिनट जरूरी रहता है, तो इसीलिए मैंने पहले इसे लिख के रख लिया है। उसके बाद हम ये सारे क्वेश्चन को हटा देंगे और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे होगा ये सॉल्व, उसी बारे में हम लोग चलो डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पेन हाइलाइटर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोला सर, अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्स इज केप्ट वन अबव द अनदर इन अ लार्ज कंटेनर व्हिच कंटेन्स मैक्सिमम 20 बॉक्सेस। तो मैक्सिमम कितने बॉक्सेस हैं, मैक्सिमम हमारे पास 20 बॉक्सेस हैं। ईच वन ऑफ देम हैज डिफरेंट वेट एंड इज डिफरेंट कलर। इनको हिंदी में चाहिए क्वेश्चन, आई एम एक्सप्लेनिंग एवरी लाइन इन हिंदी, सारा लाइन हमें हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप बस इस क्वेश्चन को देखिए, पूरा देखिए, आपका काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट वेट एंड इज ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, सबका डिफरेंट वेट है और डिफरेंट कलर भी है। ओनली 5 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एच एंड द बॉक्स बी। एच और बी के बीच में 5 कलर है बॉक्स। ठीक है, बी विच इज रेड कलर। तो यहाँ पे देखो कॉमा देके विच लिखा है, तो मतलब बी के बारे में बात हो रही है। बी विच इज रेड कलर, बी जो है हमारा रेड कलर का है। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स एच एंड डी। एच और डी के बीच में सिर्फ 2 बॉक्सेस हैं। Only 3 boxes are kept between the boxes whose weight is 23 kg and the black box. Black box और 23 kg वाले box के बीच में 3 boxes रखे गए हैं। The number of boxes between the red and T is twice the number of boxes between B and H. अब देखो B ही जो था वो हमारा रेड कलर का था, मतलब ये क्या आने का मतलब ये हुआ कि B और T में जितने बॉक्सेस हैं वो B और H में जितने बॉक्सेस होंगे उसके डबल हैं। ठीक है, the box is kept exactly between the box whose weight is 21 kg and the white kg. ठीक है, ब्राउन बॉक्स है जो कि यहाँ ये हिंट है, ब्राउन बॉक्स जो है वो 21 और व्हाइट के बीच में मिडल में है, और व्हाइट वाला जो कि 18 के जी का है। व्हाइट बॉक्स हुज वेट इज 18 kg, मतलब यहाँ पे व्हाइट बॉक्स के बारे में बात की गई कि ब्राउन बॉक्स जो है वो हमारा मिडल में है 21, और व्हाइट बॉक्स के मिडल में है, एग्जैक्टली एक मिडल में है, मतलब ये है कि एक से ज्यादा बॉक्सेस भी इन दोनों के बीच में रह सकते हैं, कितना ही बॉक्स ना, बस ब्राउन बॉक्स मेरा मिडल में रहेगा। द वेट ऑफ टी बॉक्स इज 11 kg, टी का हमारा जो वेट है वो 11 kg है। ठीक है, द ग्रीन बॉक्स इज केप्ट 4 places अबव के। ग्रीन जो है वो 4 places अबव के है, तो देखो ग्रीन यहाँ रहेगा, ग्रीन जो है वो 4 places अबव के है, तो ग्रीन यहाँ है, के यहाँ है, 4 places अबव है, मतलब क्या हुआ ना 4 places अबव का, कि इन तीनों के बीच 3 boxes रहेंगे। ठीक है, इन के और ग्रीन के बीच में 3 boxes रहेंगे, चौथे बॉक्स पे ही यहाँ पे ग्रीन रहेगा, तभी तो ये 4 boxes अबव रहेगा। आप अगर सेकंड फ्लोर पे हैं, आपका दोस्त आपसे 4 फ्लोर ऊपर रहता है, तो कितने फ्लोर पर रहेगा, छठे फ्लोर पर रहेगा। आप दोनों के बीच में कितना फ्लोर रहेगा, 3, 4, 5, 3 फ्लोर आप दोनों के बीच में रहेगा, तो यही सेम बात रही, द ग्रीन बॉक्स इज केप्ट 4 places अबव के, मतलब इन दोनों के बीच में 3 boxes रहेगा। टी हमारे 11 kg का था, यहाँ पे 11 kg हम लिख देते हैं। और चलिए ये सब बारीकियां हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। ओके, द ग्रीन कलर बॉक्स इज केप्ट 4 places अबव के, यहां तक हो गया। हुज वेट इज 12 kg, के का वेट है हमारा 12 kg। ओके, द येलो बॉक्स इज केप्ट नाइदर एट द बॉटम नॉर एडजेसेंट टू रेड बॉक्स। रेड बॉक्स जो है
येलो बॉक्स जो है वो रेड के एडजेसेंट नहीं है और बॉटम में भी नहीं है, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन द बॉक्स हुज वेट इज 23 केजी एंड डी इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन येलो एंड आर। येलो एंड आर 23 एंड डी के बीच में जितने बॉक्सेस हैं उतने ही येलो एंड आर के बीच में है, ठीक है। आर विच इज ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर जो है हमारा, आर जो है वो हमारा ग्रीन कलर का है, यहाँ मैंने लिख लिया कि आर जो है हमारा ग्रीन कलर का है। बॉक्स एच इज नाइदर ग्रीन नॉर केप एडजेसेंट टू 23, एच जो है वो ग्रीन भी नहीं है और 23 के एडजेसेंट भी नहीं है, तो ऊपर नीचे एच लिख के काट दिया। आगे हमारे बोला कि द वेट ऑफ एच इज नॉट 23 kg, तो 23 kg का भी एच नहीं है, तो सारी जगह हमें एच को क्रॉस करके लिख लिया है। द ग्रीन बॉक्स इज केप्ट 6 places अबव जी विच इज ब्लैक कलर, ग्रीन बॉक्स जो है वो 6 places अबव भी है, अबव जी है जो कि ब्लैक कलर का है। देखो यहाँ जी है ये ब्लैक कलर का है और ग्रीन बॉक्स जो है 6 places अबव है, 6 places अबव है मतलब कि इन दोनों के बीच में कितने रहेंगे, 5 boxes रहेंगे इन दोनों के बीच में। बॉक्स बी इज केप्ट 5th फ्रॉम द टॉप, बॉक्स बी जो है 5th फ्रॉम द टॉप है। द बॉक्स हुज वेट इज 21 kg इज केप्ट 3rd फ्रॉम द बॉटम, 21 kg का जो है वो 3rd फ्रॉम बॉटम है, ये रही आपकी हिंट। और द बॉक्स हुज वेट इज 12 kg इज केप्ट एडजेसेंट टू डी, देखो डी जो है ना उसके ऊपर या फिर नीचे 12 केजी का बॉक्स आएगा, 12 केजी हमें पता है कौन है, के है, के है हमारा 12 केजी, ओके। अब आगे क्या दिया, द वेट ऑफ द बॉक्स वाई इज 21 केजी, वाई जो है हमारा 21 केजी का है एंड इसके 4 places फ्रॉम द बॉक्स हुज वेट इज 8 केजी, 8 केजी से 4 places है, मतलब 8 और वाई में कितने बॉक्स आ जाएंगे, 3 बॉक्स आ जाएंगे, ठीक है। 4 places अभी है तो मतलब कि इन दोनों के बीच में 3 बॉक्सेस आ जाएंगे। द बॉक्स हुज वेट इज 12 kg इज ब्राउन, जो 12 kg का बॉक्स है उसको वो ब्राउन कलर का बॉक्स है, तो 12 kg का हमें पता था के है जो कि 12 kg का, यहाँ पे लिख दिया कि वो ब्राउन है। हम हिंट कॉम्पैक्ट करके लिखना आपको पूरे पजल कोर्स में सिखाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं वहां से, ठीक है, जो हम शुरू में आपको प्लेलिस्ट दिखाया, ओके। द बॉक्स हुज वेट इज 12 kg इज ब्राउन एंड टी इज अबव वाई, टी जो है हमारा अबव वाई है। यहाँ तक सारी हिंट हमारी नोट डाउन हो गई, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो दो चीज वहां पे हमने नोट डाउन किया था जो कि यहाँ पे भी हम नोट डाउन कर लेते हैं पेन लेकर के, जो कि क्या हमने नोट डाउन किया कि इन दोनों के बीच में 3 है और ये टी जो है वो 11 kg का है। बेस्ट हिंट कौन सी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हिंट कौन सी है यहाँ पे बनाने में, देखो बेस्ट हिंट है हमारी ग्रीन से रिलेटेड, तो ग्रीन से ब्लैक कनेक्टेड है, ठीक है। ब्लैक से फिर आपको और हिंट कनेक्टेड है कि 23 जो है ब्लैक के बीच में है, देखो ग्रीन से के भी कनेक्टेड है, मतलब बेस्ट हमारी हिंट यही है कि हम यहाँ पे हम इसको ग्रीन ले ले और ग्रीन जो है कितने हैं, 5 बॉक्स ऊपर है वाइट के, तो 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपको 1 2 3 4 5 बॉक्स आ गया, यहाँ पे आपको जी ब्लैक आ गया, ठीक है। दो केस लेकर के चलते हैं हम लोग दो केस लेकर के चलते हैं, यहाँ पे 3 यहाँ रख लेते हैं, 1 2 3 4 5, जी ब्लैक यहाँ आ गया, ओके 1 2 3 4 5, ओके। चलो यहाँ पे हमारी ये हिंट हमारी पुट हो गई, उसके बाद हम लोग कौन से हिंट पुट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग ये हिंट पुट कर सकते हैं कि ग्रीन और के बीच में 3 है। देखो ग्रीन कौन है, ग्रीन हमारा आर है, हमने यहाँ लिखा रखा है, तो इसको आर लिख दो, तो आर लिख दो, 1 2 3 बॉक्स यहाँ पे के आ जाएगा, 1 2 3 बॉक्स यहाँ पे के आ जाएगा, के जो है हमारा 12 का है, के को यहाँ 12 लिखो, ठीक है। 12 जो है डी के ऊपर नीचे है, तो यहाँ पे ये वाली हिंट, ये हिंट देखो, तो हमारा दो केस यहाँ पे बन रहा है कि केक या तो डी ऊपर आ जाए या फिर डी नीचे आ जाए। देखो अगर ऊपर आएगा डी तो एच और डी के बीच में 2 है और एच जो है हमारा ग्रीन भी नहीं है, यहाँ क्रॉस है, तो देखो 1 बॉक्स 2 बॉक्स, 2 बॉक्स ग्रीन आ जाएगा, ऊपर अगर लोगे एच डी और एच में 2 बॉक्सेस है, डी यहाँ प्लेस कर रहे हो, 1 बॉक्स 2 बॉक्स छोड़ करके एच को हमारा यहाँ आना चाहिए जो कि नहीं आ सकता है, जो क्योंकि वो ग्रीन नहीं है और आर हमारा पहले से प्लेस है। 1 बॉक्स 2 बॉक्स छोड़ करके यहाँ पे डी तुमने यहाँ प्लेस किया, देखो 1 बॉक्स 2 बॉक्स छोड़ करके यहाँ प्लेस करना चाहोगे तो यहाँ पे जी ब्लैक पहले ही से है, मतलब हमारा ये चीज जो है वो कंफर्म हो गया कि जी डी जो है हमारा वो कहाँ आने वाला है, डी हमारा आने वाला है नीचे ही। सबसे पहले चलो हम लोग बना लेते हैं, कितना बॉक्स है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 1 बॉक्स और,
से इसको लिख देते हैं। वन टू थ्री बॉक्स ऊपर है, वन टू थ्री। ओके अब देखो अब हम लोग क्या बना सकते हैं। देखो हमारा कंफर्म ये हो गया प्लेस कि डी हमारा नीचे ही आने वाला है। अब डी नीचे आ रहा है तो दो केस आएगा, या तो डी नीचे आ जाए जी के नीचे आ जाए डी, ठीक है, एक बॉक्सेस दो बॉक्सेस छोड़ करके एच नीचे आ जाए यहां पर, ठीक है, यहां पे एच आ जाए, या फिर एक बॉक्सेस दो बॉक्सेस छोड़ करके एच यहां पर आ जाए, ये हमारा पुट हो गया, ठीक है, दो केसेस हमने पुट यहां पे कर दिया है। अब हम लोग कौन सा प्ले करते हैं, देखो एच और बी के बीच में पांच बॉक्सेस हैं और बी जो है फिफ्थ फ्रॉम टॉप है, तो जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव बॉक्सेस यहाँ पे बी मेरा आ गया, देखो वन टू थ्री फोर फाइव बॉक्सेस बी मेरा रेड है और बी फिफ्थ फ्रॉम टॉप है, तो वन टू थ्री फोर बॉक्सेस ऊपर जाएगा, वन टू थ्री फोर बॉक्सेस ऊपर गया। इस वाले केस में देखो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव बॉक्सेस छोड़ करके बी मेरा यहाँ आ जाएगा जो कि मेरा रेड कलर का है और बी जो है फिफ्थ फ्रॉम टॉप है, तो एक दो बॉक्सेस और है तो तीन चार बॉक्सेस, दो बॉक्सेस और ऊपर बना दो, वन टू बॉक्सेस और ऊपर बना दो। अब देखो कितने पर्सन हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन बॉक्सेस यहाँ पर प्लेस हो गए हैं। अब देखो अब हम किसको प्लेस कर सकते हैं, देखो यहाँ देखो ब्लैक और 23 के बीच में तीन पर्सन है, ब्लैक हमें मिला हुआ है ना कि जी मेहरा ब्लैक है, तो ब्लैक और 23 के बीच में तीन पर्सन है, अगर यहाँ ले लो, अब देखो 23 और डी के बीच में जितने पर्सन है उतने येलो और आर के बीच में है, ओके, और हमारे कौन सी इंट थी, और हमारी ये इंट है कि आठ 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 और वाई के बीच में तीन है, और हमारी कौन सी इंट है, और हमारा बी और टी के बीच में जितने हैं वो डबल है जितने बी और आठ के बीच में। इतनी सारी हिंट को कॉम्पैक्ट करेंगे, अब हम लोग सारी हिंट कोर को मिलाएंगे। देखो 23 और ब्लैक के बीच में तीन है, तो अगर एक दो तीन तीन लेकर के अगर 23 तुम यहां लिखते हो तो यहां तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता था कि एच जो है वो 23 नहीं है, तो एच जो है नीचे ही आएगा, वन टू थ्री पर्सन छोड़ करके मेरा 23 यहां आ जाएगा। अब देखो 23 और डी के बीच में कितना है, वन टू थ्री फोर पर्सन आ गया 23 और डी के बीच में, आर और येलो के बीच में कितना आएगा, फोर पर्सन आएगा, तो आर यहाँ वन टू थ्री फोर पर्सन येलो मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ऊपर जाओगे तो वन टू थ्री फोर पर्सन रेड ही आ रहा है, रेड के ऊपर यहाँ पे येलो आएगा, अगर ऊपर बढ़ोगे तो हमें पता था ना कि रेड जो है येलो जो है ऊपर नीचे नहीं है रेड के, तो इसी वजह से येलो यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लेस कर लिया। अब हम लोग अब देखो अब हम लोग इसको प्लेस करते हैं, इसको हम लोग प्लेस कर सकते हैं। अब हम लोग देखो वाई जो है 21 है, ब्राउन के मिडल में है, यहाँ पे देखो ब्राउन को यहाँ प्लेस करो, के हमारा ब्राउन कलर का है तो के को ब्राउन को यहाँ प्लेस करो, ब्राउन को हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अब मेरा ब्राउन यहाँ प्लेस हो चुका है, अब हमको क्या पता है, हमको ब्राउन और वाई 21, वाई जो है लास्ट से आपको कितने पे है, वाई थर्ड फ्रॉम बॉटम है, देखो ये थर्ड फ्रॉम बॉटम है, वाई थर्ड फ्रॉम बॉटम है, तो यहाँ पे 19% हो चुका है इस वाले केस में मेरा 19% हो चुका है, मैक्सिमम हमारा 20 है, तो एक ही पर्सन नीचे आ सकता है। अगर हम वाई को पुट करना चाहें तो वाई देखो इस हिंट को रिलेट करना सीखोगे, ठीक है, वाई जो है थर्ड फ्रॉम बॉटम है और ब्राउन जो है वो मिडल में है वाई और इसके वाइट के, ठीक है, तो अब देखो हम लोग कैसे इस हिंट को रिलेट करेंगे। देखो यहाँ पे वाई यहाँ पे अगर हम प्लेस कर दे, एक दो पर्सन छोड़ करके हम यहाँ पे वाई नहीं प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वन टू थ्री थ्री थर्ड फ्रॉम बॉटम नहीं आएगा, ये मेरा क्रॉस हो गया। अगर यहाँ पे हम वाई को प्लेस करें, अगर हम इस वाले पोजिशन पे अगर हम वाई को प्लेस कर दे, देखो वन टू थ्री पर्सन आ रहा है इसके बीच में, तो वन टू थ्री पर्सन ऊपर व्हाइट आना चाहिए, व्हाइट यहाँ नहीं आएगा, ग्रीन होगा। देखो ब्राउन जो है ना वो मिडल ही में रहेगा, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, ये हमें पता है कि व्हाइट जो है थर्ड फ्रॉम बॉटम है, तो व्हाइट नीचे रहेगा और व्हाइट ऊपर रहेगा। अगर हम व्हाइट को यहाँ प्लेस करें, व्हाइट को यहाँ प्लेस करेंगे तो थर्ड फ्रॉम बॉटम है, तो एक पर्सन हमें और चाहिए नीचे, वन टू थ्री। अगर तुम व्हाइट को यहाँ प्लेस करोगे, y मेरा यहाँ प्लेस किया तो कितना पर्सन हो गया, वन टू थ्री फोर, फोर पर्सन हो गया, ऊपर भी जाओ वन टू थ्री फोर,
4% देकर के यहाँ पे दे दो वाइट को, यहाँ पे दे दो वाइट को जो कि 18 है। अब देखो 8 और वाई के बीच में 3% है, वाई यहाँ रह गया 1 2 3%, 8 यहाँ आ गया। अब देखो बी और 8 के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8% है, मतलब बी और टी के बीच में कितना होना चाहिए, 16% होना चाहिए, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ही परसेंट, तो बी यहां से लेकर के पूरा यहां तक तो 15 ही परसेंट आया, मतलब ये हमारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, हम प्लेस नहीं कर सकते, ये पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई। आई होप कि सारी चीजें तुमको क्लियर हो गई होगी। अब हमारा ये पॉसिबिलिटी बना बचा है, अब हम इसको बना देते हैं। देखो इन दोनों को, लाइन को हम अच्छे से प्लेस कर देते हैं 2% को। बहुत अच्छा पजल है ये, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आपको इसी टाइप का पजल आएगा। जी और 23 की बात आई, यहाँ पे फिर वही करेंगे हम लोग, जी और 23 को प्लेस करेंगे। ब्लैक 1 2 3% है, देखो 1 2 3% हम लोग ऊपर 23 को प्लेस, देखो ब्लैक यहाँ है तो 1 2 3% छोड़ करके 23 मेरा यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 3% छोड़ करके मेरा 23 यहाँ आया। ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट हुआ है तो उसको माइंड मत करना, ठीक है, कहीं फिर स्क्रीन से ये कट जाएगा मेरा। जो हम अच्छे से बना देने, यहाँ है 1%, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे 1%, यहाँ पे 1 2 3% के बाद 23 मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, 23 ब्लैक, ठीक है, यहाँ पे 23 को अगर हम प्लेस कर देते हैं तो 23 प्लेस करने के बाद 23 और D में देते हैं उतने ही येलो और R के बीच में है। अगर हम 23 ऊपर लेना चाहें, 1 2 3 23 यहाँ लोगे, अगर 23 तुम यहाँ लोगे तो D और 23 में कितना है, 1% है, 1% है D और 23 में, तो हमारा कितना आ जाएगा, येलो और R में भी 1% आना चाहिए, तो R यहाँ है, येलो हमारा ऊपर भागेगा, लेकिन वो पॉसिबिलिटी हमारी इलिमिनेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यही वाला हिंट फिर हमारा फॉलो नहीं करेगा, फिर हम लोग H को प्लेस करेंगे, ब्राउन और K को प्लेस करेंगे। तो देखो अभी हम ये वाली हिंट लेकर के चलते हैं, उस वाली हिंट को आप देख लीजिएगा, अगर G से आप ऊपर लेते हैं 23, ठीक है, चलो अगर हम G से 21 2 3% लेकर के 23 अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं तो हमारा ये प्लेस हो गया। अब देखो 23 और D के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4% है, तो D और येलो और आर के बीच में कितने होंगे, 4% होंगे, 1 2 3 4, फिर से हमारा डी जो है येलो आ रहा है, डी जो हमारा फिर से येलो आ रहा है। चलो कलर इंक का चेंज कर देते हैं, तो ब्लू ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो यहां हमारा डी प्लेस हो गया येलो कलर का, येलो हमारा डी प्लेस हो गया। उसके बाद ये वाली हिंट हमने पूरी तरीके से यूज कर ली, ठीक, ओके। चलो अब हम लोग किसको प्लेस कर सकते हैं, अब देखो ब्राउन मेरा यहाँ है, ब्राउन मेरा यहाँ है, और हमें क्या प्लेस करना है, ब्राउन जो है मिडल में है Y21 और वाइट के, ठीक है, जाहिर सी बात है वाई मेरा नीचे आने वाला है, तो ब्राउन मेरा यहाँ है तो 1% 2% 3% 4% छोड़ करके हम लोग वाई को या तो यहाँ प्लेस कर सकते हैं, यहाँ प्लेस होगा तो 1 मेरा परसेंट नीचे आएगा, 1% मेरा यहाँ नीचे आएगा, क्योंकि वाई थर्ड फ्रॉम बॉटम है, तो 1% मेरा नीचे आया। अगर हम वाई को यहाँ प्लेस करते हैं तो 1 2 3 4% मेरा वाई आया, तो 4% ऊपर वाइट आएगा, 1 2 3 4% छोड़ करके मेरा वाइट मेरा यहाँ आ जाएगा, वाइट यहाँ आया और 18 kg का वाइट है, इसको हमने प्लेस कर दिया। अगर हम G23 पहले लेते G23 को, तो यहाँ पे अभी वो इलिमिनेट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे तो वाइट 18 आ रहा है, ठीक है, तो आपका येलो प्लेस नहीं हो पाता, तो यही एक केस फिजेबल रहेगा, वो केवल अभी इलिमिनेटेशन आपको दिखाती है क्यों होगा, कि जी से 60% छोड़ करके 23 अगर तुम ऊपर लेना चाहोगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये वाली हिंट हमारी पूरी तरीके से इस्तेमाल हो गई, कि आपको 23 और D के बीच में कितने हैं, 23 और D के बीच में 1 2 3 4% है, 5% है, 1 2
1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 ये लो हमारा प्लेस कर चुका है। तो ये हमारी हिंट पूरी तरीके से इस्तेमाल हो चुकी है। अब देखो हम किसको प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही हमने वाई को प्लेस किया है, 8 और वाई के बीच में 3 पर्सन है, वाई यहाँ है तो 1 2 3 8 8 मेरा यहाँ आ जाएगा जो कि ये होगा आपको डी जो है हमारा 8 केजी का हो जाएगा। तो हमारा वाई यहाँ प्लेस हो चुका है, डी हमारा 8 केजी का यहाँ आ गया, ये हमारा 8 केजी का यहाँ आ गया। और देखो अब हमें बी और 8 के बीच में कितने हैं, 1 2 पर्सन है, तो मतलब बी और टी के बीच में कितने होंगे, 4 पर्सन होंगे। तो 1 2 3 4 पर्सन छोड़ करके टी हमारा यहाँ आ जाएगा, टी हमारा 11 केजी का है तो टी हमारा 11 केजी का यहाँ प्लेस हो जाएगा। ओके अब हमने टी को भी प्लेस कर दिया, टी जो है वाई के ऊपर है, ये भी हमारी इंट हो गई, ये हमारी इंट प्लेस हो गई। ओके तो सारी चीजों को हमने यहाँ प्लेस कर दिया, सारी इंट हमारी हो गई। अब देखो मैक्सिमम जो थे वो 20 ही पर्सन थे, तो कितना पर्सन हुआ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 पर्सन यहाँ पे हुए हमारे, टोटल 14 पर्सन। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको व्हाइट जो है वो बी से कितना ऊपर है। अगर हम इमेजिनरी पर्सन एक्स यहाँ पे प्लेस कर दें तो एक्स जो है टी जो है एक्स से, अच्छा चलो ये क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आप इसका जवाब दीजिएगा। एक इफ 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 एक्स इज प्लेस इमीडिएटली अबव बी, अगर एक्स को हम इमीडिएटली अबव बी प्लेस कर दें, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टी का क्या पोजीशन रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आप बताएं। 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे आ रहा है। अब आप इसको देखिए, 5 फ्रॉम 5 प्लेसेस बिलो रहेगा टी, इस तरीके से क्वेश्चन आप यहां से एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, अगर सबसे पहले तो अगर आपको बनाने नहीं आता है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन द पजल्स इन बॉक्स पजल, तब आप यही गलत कर दिएगा कि जी और बी के बीच में कितना पर्सन है और के और जी के बीच में कितना पर्सन है। इस वीडियो को बार बार देखना, एक बार देखने से नहीं समझ आएगा, पूरा ग्राफ्स नहीं कर पाओगे, बार बार देखना, तो आपको बॉक्स हेलो पजल फ्रेंड्स, वेलकम प्रीलिम्स टू आवर में यूट्यूब चैनल आजकल आने अनेक का ट्रेंड। क्लासेस। तो आज का क्लास होगा हमारा मेंस के पजल का होगा। ये हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, मेंस पजल एंड मिसलेनियस क्वेश्चन। मेंस क्लास का आज पार्ट 15 है। अगर आपको ये देखो आज का सवाल है, अगर कोई लोग जल्दी में हो तो ये लो सवाल और बना तो करके ट्राई चलो कीजिए, स्टार्ट ठीक करते हैं आज का है। क्वेश्चन। उसके क्या बोल क्या रहा है हमारे सामने क्वेश्चन, अच्छा कुछ जगह चाहिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर देख लिया जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है हमें यहाँ पे, ये दिया कि ए बी सी डी ई एफ जी आर 7 पर्सन हु ट्रेवल्स टू ऑफिस एवरी डे बाई अ पार्टिकुलर ट्रेन विच स्टॉप्स एट 5 स्टेशन 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली आफ्टर लिविंग इट्स बेस स्टेशन। तो 7 पर्सन है जो कि ट्रेवल करते हैं ऑफिस एक पार्टिकुलर ट्रेन से जो कि 5 स्टेशन पर स्टॉप करती है, ठीक है। बेस स्टेशन छोड़ने के बाद एक ट्रेन होगी ना कि जहां से ट्रेन खुलेगी, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 5 स्टेशन पर रुकेगी, ठीक है। 3 अमंग देम गेट ऑन द ट्रेन एट द बेस स्टेशन। तो हमारा ये बनेगा कैसे, ये हमारा इस तरीके से बनेगा कि एक हमारा बेस स्टेशन हो जाएगा, उसके बाद एक हमारा ये बेस स्टेशन हो गया, अब स्टॉपेज नंबर 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा और उसके बाद 5 आएगा। ओके नाउ 3 अमॉन्ग देम गेट ऑन द ट्रेन एट द बेस स्टेशन। तो यहाँ पे कुछ 3 लोग हैं जो कि बेस स्टेशन पर चढ़ेंगे, तो जो लोग बोर्ड करेंगे ना उनको ऑन लिख देते हैं और जो लोग उतरेंगे उनको ऑफ लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से डिस्टिंग्विश करना हमारा आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑन और यहाँ पे ऑफ। अब हमें और आगे क्या बोल रहा है, 3 अमॉन्ग देम गेट ऑन द ट्रेन एट द बेस स्टेशन, तो 3 लोग होंगे जो कि बेस स्टेशन में चढ़ेंगे। डी गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन एट विच एफ गेट डाउन, ठीक है। तो एफ के बाद डी जा आपको उतरता है, मतलब इमीडिएटली डी के बाद, एफ के बाद डी उतरेगा। और यहां पे मैंने ऑफ लिख दिया कि ये उतरने वाले साइड की हिंट है, ठीक है, इस साइड की हिंट है। बी डज नॉट गेट डाउन आइदर विथ ए और एफ, बी जो है वो
ए एंड एफ के साथ उतरता नहीं है, ठीक है। तो क्रॉस करके यहाँ पे ऑफ लिख दिया, किस लिए ऑफ लिखा, ये ऑफ साइड की हिंट है हमें पता चले। जी अलोन गेट्स ऑन द स्टेशन एट 3 एंड गेट्स डाउन विद सी आफ्टर पासिंग 1 स्टेशन। तो जी यहाँ पे थर्ड पे अलोन है, मतलब और कोई इसके साथ बोर्ड नहीं करेगा, ठीक है, और कोई इसके साथ बोर्ड नहीं करेगा। और यहाँ पे ये क्या बोला, जी अलोन गेट्स एट स्टेशन 3 एंड गेट डाउन विद सी आफ्टर हैविंग पास 1 स्टेशन। तो एक स्टेशन पास करने के बाद पांचवें पे जी और सी जो है ये उतर जाएंगे, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। ए गेट्स ऑन स्टेशन 4 एंड गेट डाउन स्टेशन 5। ए यहां पे चढ़ा और यहां पर उतर गया, ठीक है। नन ऑफ देम गेट्स ऑन स्टेशन 2। स्टेशन 2 पर कोई भी आदमी चढ़ता नहीं है, तो इसको क्रॉस कर लिया मैंने। सी गेट्स ऑन विथ एफ बट डज नॉट गेट ऑन विथ आइदर बी और डी। सी जो है एफ के साथ चढ़ता है, ऑन लिख दिया यहां पे, बट ऑफ नहीं होता है किसके किसके साथ, ई और डी के साथ ये ऑफ नहीं होता है, मतलब उतरता नहीं है, ठीक है, डीबोर्ड नहीं करता है। E gets on with two others and get down alone with D. E gets on with two others. तो यहाँ पे ध्यान देना, E gets on with two others, मतलब E जो है दो others के साथ चढ़ता है, मतलब एक ही जगह हमारा ऐसा है बेस स्टेशन जहां पे तीन लोग चढ़ रहे हैं, मतलब E जो है हमारा बेस स्टेशन पर चढ़ा है। And gets down alone after D. D के बाद A alone उतरता है, ठीक है। ई है, ई गेट्स ऑन विथ टू अदर्स एंड गेट डाउन अलोन आफ्टर डी। तो डी के बाद ई अलोन उतरता है, ठीक है। बी एंड डी वर्क इन द सेम ऑफिस, दे गेट डाउन एट स्टेशन 3। तो बी डी हमारा यहां स्टेशन 3 पे आपको उतर जाता है, ठीक है। None of them get down at station 1. Station number 1 पर कोई भी उतरता नहीं है। तो एक काम करते हैं ना कि on off पे एक लकीर खींच देते हैं। ये लोग on है, ये लोग off है। अब हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं बताइए, अब हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। चलो ब्लैक कलर ले ले। देखो अब हम लोग कौन सी हिंट आ सकती है यहाँ पे। देखो सी और एफ एक साथ बोर्ड किया है, बी और डी यहाँ उतरा है। अब देखो एक हिंट हमारे पास है कि एफ के बाद डी उतरा है इमीडिएटली, मतलब एफ यहाँ आने वाला है, सही है ना, एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हमें बोला था कि एफ के बाद डी होगा, डी के बाद ई जो है अलोन उतरेगा, है ना, ई जो है अलोन उतरेगा। तो F के बाद D हो चुका है, मतलब E यहाँ पे अलोन उतरेगा और कोई भी नहीं आएगा E के साथ, ठीक है। अब यहां तक हम लोग सारी चीजों को पुट कर दिया। अब हमें पता था कि आपको C जो है F के साथ बोर्ड कर रहा है और ये E और D के साथ ऑफ नहीं होता है। C मतलब यहाँ पे भी ऑफ नहीं होगा और F तो मेरे यहाँ है, तो मतलब ये जो हिंट है E और D, E जो ऑफ मेरा यहाँ हो रहा है, तो ये हमारा पहले ही सेटिस्फाई हिंट है। मतलब हमें किस पे जोर देना है, इस पर जोर देना है कि सी और एफ एक साथ बोर्ड कर रहे हैं। और हमारा कौन बच रहा है, बी और डी भी यहां, देखो देखो यहां बी और डी हमारा उतर रहा है तो कहीं तो चढ़ा होगा। अब यहां पे दो केसेस बनते हैं, या तो यहां पे तो कोई ऑफ नहीं होगा बेस स्टेशन पर। अब हमारा एक केस ये बनता है कि या तो बी और डी यहां आ जाए और सी एफ यहां आ जाए, ठीक है, या फिर एक केस हमारा ये भी बनता है कि B और D यहाँ आ जाए और C और F यहाँ आ जाए। एक केस हमारा ये भी बनता है, ठीक है। तो हमारा यही जो है हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये पजल आपको मेंस में ही आएगी, प्रीलिम्स में नहीं आएगी, और ये एक डुएबल क्वेश्चन है। बस आपको क्वेश्चन बड़ा लगेगा, आप देखिएगा, अपने से ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए। हम बना देते हैं तो आपको लगेगा कि बहुत आसान पजल है, लेकिन अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। लैंग्वेज के साथ खेला गया है इस पजल में आपके साथ, और कुछ नहीं किया गया। देखो हमारा अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या था,
एट विच स्टेशन ई गेट्स डाउन, ई जो है किस स्टेशन पर उतरता है। अब देखो ई यहाँ उतरता है स्टेशन नंबर 4 पर, क्या आंसर क्या हो जाएगा, स्टेशन नंबर 4। एट विच स्टेशन सी एंड एफ गेट ऑन, ठीक है, सी और एफ जो है किस स्टेशन पर चढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो सी और एफ जो है, सी और एफ जो है या तो वन पे, या तो बेस स्टेशन पे आएगा या फिर वन पे आएगा। अब यहां पे हमारा वन है, टू है, फोर है और नन ऑफ दीज है, तो हमारा नन ऑफ दीज पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि ये है हमारा सी एन डी, हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो जहां पे अगर सी एन डी आ रहा है आंसर और नहीं है तो नन ऑफ दीज पर आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, एट विच स्टेशन बी एन डी गेट्स ऑन, तो यहाँ पे देखो कैन नॉट बी डिटरमाइन लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइन पर क्लिक करेंगे। आफ्टर हाउ मेनी स्टेशन ई गेट्स डाउन, ई कितने स्टेशन के बाद उतरता है, ई जो है कितने स्टेशन के बाद उतरता है। देखो ई जो है वन टू थ्री, थ्री स्टेशन के बाद उतरता है, तो हमारा थ्री आंसर हो जाएगा। एट विच स्टेशन मैक्सिमम पीपल गेट डाउन, मैक्सिमम पीपल जो है किस स्टेशन पर उतरते हैं, तो ए जी सी, तीन लोग यहां उतर रहे हैं पांचवें स्टेशन पर, तो पांच आ जाएगा हमारा इसका सही जवाब। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपना राय दीजिएगा कि आपको कैसा लगा क्वेश्चन आज के सवाल की तरफ। ये रहा तुम्हारे सामने आज का सवाल, ठीक है, ये रहा इंग्लिश में सवाल और ये रहा हिंदी में सवाल। तुम वीडियो पॉज करके जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो एक बार इसको बनाने का ट्राई करो। तो चलो दोस्तों अब इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पेन ले लेते हैं, आई होप कि तुमने एक बार इसको बनाने का ट्राई किया होगा। तो देखो क्या क्या रहा है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना अगर मेंस में आते हैं, आपको मेंस में इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं मेंस में, तो आपको ये क्वेश्चन बनाना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, स्किप नहीं करना है, ये क्वेश्चन की सीरीज उस टाइप की क्वेश्चन की सीरीज है जो कि मेंस में आपको डुएबल क्वेश्चन है। ठीक है, डुएबल क्वेश्चन की सीरीज है ये। तो चलो हम लोग इसको बनाना है का स्टार्ट करते हैं आज। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, क्वेश्चन को आंसर करना। ठीक है, यहाँ से हमारा पजल स्टार्ट होता है। सम ऑफ द सम पीपल सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल हुज सर्कमफेरेंस इज 637 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस हमारा कितना है, सर्कमफेरेंस है हमारा 637 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या बोला है, ऑल द पर्सन फेस टुवर्ड द सेंटर, तो सबको इस इनसाइड देख रहे हैं। ठीक है, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पर्सन इज अ मल्टीपल ऑफ 7 एट द डिस्टेंस इंक्रीजेस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ कि मान लो ये सर्किल है, 1 2 3 4 5 6, मान लो जितने भी लोग हैं, कितने लोग हैं हमको नहीं दिया, अनसर्टेन नंबर है। ठीक है, हम लोग निकालेंगे कि कितने लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको बोला कि ये जो है ना इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 7 है। मतलब कि अगर यहाँ 7 होगा तो यहाँ 14 होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये 7 से होगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि 7 से ही स्टार्ट होगा। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ 7 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 14 होगा। एक केस हमारा ये हुआ, लेकिन दूसरा केस ये हो सकता है कि ये स्टार्टिंग ही मेरा 14 से हो रहा हो, तो 14 होगा तो यहाँ कितना होगा, 21 होगा। ये कितना होगा, 28 होगा। ये कितना होगा, 35 होगा। ठीक है, बस हमको ये बात पता चली यहाँ से कि ये जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 7 के डिस्टेंस हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको। तो चलो हम लोग सब चीज़ क्लियर कर देते हैं, हम लोग बात याद रख लेते हैं कि सर्कमफेरेंस जो है 637 का है। ठीक है, अब यहाँ से आया, यहाँ से कि आदिल सिट्स एट द गैप ऑफ 21 सेंटीमीटर फ्रॉम धीरज। तो आदिल जो है वो धीरज से 21 सेंटीमीटर के गैप पर है। ठीक है, धीरज हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कैरोलाइन। ठीक है, धीरज जो है वो कैरोलाइन के सेकंड टू द लेफ्ट मर है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन ईशा एंड कमर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन कैरोलाइन एंड धीरज। ईशा और कमर के बीच में जो डिस्टेंस है, ओके, इसको इस तरीके से लिख देते हैं कि ईशा और कैरोलाइन के बीच में, ईशा और कमर के बीच में जो डिस्टेंस है, वो किसके बराबर है, वो बराबर है कैरोलाइन और धीरज के बीच में। मतलब कैरोलाइन एंड धीरज के बीच में, ठीक है, यहाँ डिस्टेंस लिख देते हैं कि ये दोनों जो हिंट है वो डिस्टेंस से रिलेटेड हिंट है। ठीक है, अब आगे क्या बोला, ईशा सिट्स, ईशा इज थर्ड टू द राइट ऑफ कैरोलाइन।
कैरोलाइन के थर्ड टू द राइट पर ईशा है, ठीक है। थ्री आर, थ्री आर क्या शो कर रहा है, थर्ड टू द राइट। और आगे हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, रोहित इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आदिल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पर्सन। मतलब ये देखो क्या हुआ कि रोहित जो है वो आदिल के इमीडिएटली लेफ्ट में है, ठीक है। यहां तक बोला कि रोहित इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ आदिल। अब आगे क्या बोला कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज मैक्सिमम बिटवीन टू एडजेसेंट, मतलब दो दो जो आसपास में लोग बैठेंगे ना, इन दोनों के बीच में वो मैक्सिमम डिस्टेंस रहेंगे। जैसे अभी हम समझा रहे थे ना कि ये 14 है और ये 21 है, दो लोगों के बीच का डिस्टेंस, तो आदिल और ये जो रहेगा रोहित, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा ना वो मैक्सिमम होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, किसी भी दो लोगों के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वही मैक्सिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है, ठीक है। सूरज इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ रोहित, सूरज जो है वो रोहित के फोर्थ टू द लेफ्ट है, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देते हैं, फोर्थ टू द लेफ्ट। ठीक है, फोर्थ टू द लेफ्ट है, फोर्थ टू द लेफ्ट। अब आगे क्या बोला, गौरव एंड उषा सिट्स एट द गैप ऑफ 147 सेंटीमीटर सच दैट गौरव इज ऑन द लेफ्ट ऑफ उषा। तो गौरव और उषा के बीच में गैप कितना बोला, गैप बोला कि 147 है, और गौरव जो है, ये गौरव जो है वो उषा के कहीं लेफ्ट पर है, इमीडिएटली लेफ्ट नहीं, कहीं भी लेफ्ट पर है। पंकज सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ धीरज, तो पंकज जो है वो धीरज के इमीडिएट राइट पर है, IMMRT, इमीडिएट राइट पर है, ठीक है पंकज। ओके, यहां तक हम लोग पढ़ लिया। ईशा सिट्स एट द गैप ऑफ 189 सेंटीमीटर फ्रॉम वर्तिका, तो ईशा जो है वो वर्तिका से 189 सेंटीमीटर के गैप पर है। ईशा और वर्तिका का गैप कितना है, 189 सेंटीमीटर है। बबलू इज 35 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पंकज, ठीक है। तो पंकज से बबलू जो है वो 35 सेंटीमीटर के गैप पर है। वन ऑफ द पर्सन इज फैजान, एक कोई पर्सन है जो कि इसका नाम फैजान है, ठीक है। ओके, यहां पे इसको थोड़ा सा हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अब देखो जो हमने तुमको बताया, तो ये हिंट कहां से तुम स्टार्ट करोगे, ठीक है। इंक कलर हम ब्लैक रख लेते हैं, चलो। तो देखो सबसे अच्छी हिंट यहां पे क्या है, देखो हमको पता है कि ए और डी के बीच से 21 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो हमारा दो केस यहां पर आएगा, एक केस हमारा ये होगा और एक केस हमारा इधर बनेगा, ठीक है। एक केस में हम लोग ये कर सकते हैं कि ए यहाँ आए और डी यहाँ आए, डी ए और डी के बीच में कितना डिफरेंस है, 21 सेंटीमीटर का, तो 21 यहाँ लिख दिया। उसके मतलब बाद वाला डिस्टेंस कितना आने वाला है, 21 के जस्ट बाद वाला कौन सा आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 7 है, मतलब यहाँ 28 आएगा। यहाँ कितना आएगा, ये डिस्टेंस 35 आएगा। समझ में आया आपको, ठीक है। हमने ए और डी का डिस्टेंस कितना दिया, 31 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने ए और डी को पुट किया, जो कि डिस्टेंस इनका बीच का है 21 सेंटीमीटर। अब देखो सी के सेकंड टू द लेफ्ट में डी है, एक हमारा ये कंडीशन है। हमें ये पता है कि डी के इमीडिएटली राइट पर पी है, तो डी के यहाँ पे सब कोई इनसाइड देख रहा है, हमें पता है, यहाँ पे बोला था कि सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो डी भी इनसाइड देख रहा है, तो डी का इमीडिएट राइट यहाँ आ जाएगा, जो कि यहाँ पे पी आ जाएगा। हमें पता था कि देखो पी और बी के बीच में 35 सेंटीमीटर का गैप है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो हमको पता है कि सी के सेकंड टू द लेफ्ट में डी है, लेकिन यहाँ तो बी आ जा रहा है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी मेरा इलिमिनेट कर जाएगा, ठीक है। अब मेरा एक और तरीके से कैसे हम इसको पुट कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इरेजर लेकर के ये वाली पॉसिबिलिटी तो हमारी पूरी गलत हो गई, हम इस पॉसिबिलिटी को इलिमिनेट कर दिया। अब चलो इसको भी सर्किल भी थोड़ा हम लोग बड़ा बना लेंगे, ठीक है। चलो हमारा सर्किल बन गया, यहां पे हम ए को पुट किया जो कि इनसाइड देख रहा है, ठीक है। अब हम क्या, 21 सेंटीमीटर का, तो ये इसके बीच की डिस्टेंस 7, इसके बीच की डिस्टेंस 14 और इसके बीच की डिस्टेंस 21, ठीक है 21। अब हम लोग ए और डी को तो हम लोग देख लिया कि ए यहां है, देखो अब ए यहाँ है ना, तो यहाँ पे हम इसको डी को हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखो। तो अब इन नौ के बीच के डिस्टेंस कितनी आ गई, एक्सक्यूज मी। हाँ, तो अब देखो इन लोगों के बीच के डिस्टेंस कैसे कैसे, देखो
ये देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 7, और ये कहाँ तक डिस्टेंस है, 14। मतलब अगर जो हम यहाँ पे डी को जो हम यहाँ पे पुट किया तो डी और ए के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 21। मेरा ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। डी के इमिडिएटली राइट पर पी है, मतलब पी मेरा यहाँ आ जाएगा, पी मेरा इस जगह पे आ गया, ठीक है। ये डिस्टेंस है 21, ये डिस्टेंस है 14, ये डिस्टेंस है 7, ठीक है। यहाँ तक हम पुट कर दिया। अब हमको पता है पी और बी के बीच में 35 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आएगा 28, ये आएगा 28, ये आएगा 28, ये कितना आएगा, ये आएगा 35, ठीक है, ये आएगा 35, ये डिस्टेंस। लेकिन इस तरफ अगर हम आगे बढ़े तो पी को बी को पुट नहीं कर पाते हैं। अगर देखो इस जगह पे अगर हम बी को पुट कर दे तो देखो 4 1 5 2 1 3, 35 का डिस्टेंस आ गया पी और बी के बीच में, आ गया ना 35 का डिस्टेंस, तो ये भी हमारा कंडीशन पुट हो गया, ये भी कंडीशन हमारा पुट हो गया, ठीक है। ये कंडीशन हमारा क्या है कि सी के सेकंड टू द लेफ्ट में डी है, मतलब फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, सी मेरा यहाँ पर आ जाएगा कि सी मेरा यहाँ पे आ गया, ये कंडीशन भी मेरा पुट हो गया। अब देखो सी के थर्ड टू द राइट पर ई है, सी के थर्ड टू द राइट पे है, सब इनसाइड देख रहा है, हमें पता है कि सब सारे सेंटर देख रहे हैं, जितने सारे हैं सब कोई सेंटर देख रहा है, तो 1 2 और 3, थर्ड राइट पे मेरा ई आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ई मेरा यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, 35 डिस्टेंस हुई है यहाँ से यहाँ तक, तो 35 के बाद ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 42, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 49, ठीक है। 7 का टेबल चल रहा है बस, 7 14 28 35, इसको 35 कर लो, ठीक है, 35 42 49, ठीक है। अब देखो अब आगे हम क्या पुट कर सकते हैं, हमने इसको भी पुट कर दिया, अब आगे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास ई और क्यू के बीच का जितना डिस्टेंस है उतना ही सी और डी का डिस्टेंस है। सी और डी देखो हम कलर चेंज कर रहे हैं पेन का, सी और डी के बीच में देखो तो कितना डिस्टेंस है, सी और डी के बीच में देखो कितना डिस्टेंस है, इसके बीच में डिस्टेंस है 28 + 21 + 14। अगर इसको देखो तो दोनों को ऐड करके 28 + 21 + 14 तो कितना आता है, 8 1 9 4 13 3 carry forward 1 63, ठीक है। सी और डी के बीच का डिस्टेंस, सी यहाँ है डी यहाँ है, ओ यहाँ है ना डी, तो इन यही दो डिस्टेंस तो आएगा, 14 तो नहीं आएगा हमने इसके बीच में। देखो सी 28 ये 21 ये, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 28, यहाँ से यहाँ तक 21, तो 8 1 9, 8 1 9 2 1 4 49 का डिस्टेंस है ई और क्यू के बीच में, तो क्यू यहाँ आ गया, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस आएगा, 49 के बाद क्या डिस्टेंस आएगा, यहाँ पे 56 आएगा। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि कितना लोग है, हमको नहीं ना पता है कितना लोग है, तो हम एक एक स्टेप बस आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अप्रोच आपको कैसे लेनी है वो हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ई और क्यू भी हम पुट कर दिया, ई और क्यू हमारा पुट हो गया, कि ये भी हमारा पुट हो गया। अब हम लोग किसको पुट कर सकते हैं, देखो ए के इमीडिएट राइट पे आर है, तो अगर चाहो तो यहाँ पे पुट कर सकते हो, ए के इमीडिएट राइट पे आर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये भी इनसाइड देख रहा है, तो एक पर्सन यहाँ पे भी है, तो अभी हम लोग इतना पर्सन को पुट कर चुके हैं। अब हमारा कौन सा पुट कर सकते हैं, ई और वी के बीच में 189 का डिफरेंस है, ठीक है, एक हमारा ये होता है, और हमारा क्या आ रहा है कि यू के लेफ्ट में आपको जी है, तो ना यू हम पुट किया है ना जी हम पुट किया है, और किसको हम पुट कर सकते हैं। अब देखो ई और वी के बीच में, देखो यहाँ जो अगर हम इस वाले हिंट को देखें कि ई और वी के बीच में 189 सेंटीमीटर का गैप है, ई यहाँ है, ई यहाँ है, तो 189 मतलब इस तरफ बढ़ेंगे तो 189 तो हम लोग नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखो 50 40 90 90 इस टाइप से बढ़ेंगे, और यहाँ पे ए बी डी पी सी सब पुट ही है, तो हम इस साइड बढ़ेंगे, इस साइड बढ़ेंगे तो 56, ठीक है, 56 है, 56 के बाद ये गैप कितने का होने वाला है, 56 के बाद ये गैप होगा 63 का, ये गैप ये डिस्टेंस कितने का होगा, ये डिस्टेंस होगा आपको जा करके 70 का। अब देखो अगर हम गैप को इसको अगर जोड़ना चाहें तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 9, तो हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे जहाँ पे 9 आ जाए यूनिट प्लेस पे, 63 और 70, इन तीनों को जोड़ो तो कितना आता है, 6 और 3 9 और 7 और 5 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है, 6 3 9 7 5 12 6 18, 189, 189 हमारा आ गया डिस्टेंस, तो मेरा पुट हो जाएगा वी यहाँ पर पुट हो जाएगा, तो हम वी को भी यहाँ तक पुट कर दिया। अब देखो मेरा यहाँ पे हमको क्या था,
यहाँ पे हमें दिया हुआ था कि सरकमफ्रेंस जो है वो 637 का सरकमफ्रेंस है। तो हमको तो देखना होगा ना कि अभी जो हम यहाँ से यहाँ तक का पूरा, जो यहाँ से यहाँ तक हम लोग डिस्टेंस कवर किया है पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा राउंड होते हुए, तो ये कितना डिस्टेंस हम लोग कवर कर लिया, कितना सरकमफ्रेंस क्या होता है, यही परिधि जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सरकम फ्रेंस हम कितना यहाँ तक डाटा हम लोग यूज कर लिया, तो कैसे निकालोगे, 7 + 14 + 21 + 28 + 35 + 42 + 49 + 56 + 60 + 70 करोगे? नहीं ना, ऐसे तो नहीं करोगे। तो कैसे करोगे इसको, देखो इसको हम इरेज करते हैं सबसे पहले। इसको कैसे जोड़ोगे तुम, कैसे इसको जोड़ सकते हो अच्छे से, नेक्स्ट पेज में हम तुमको ये बताते हैं, ठीक है। देखो हमको क्या जोड़ना है, 7 + 14 + 21 + 28 + 35 + 42 + 49 + कितना, + 56 + 63 + 70, मतलब 7 का टेबल है। देखो अगर हम 7 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इधर से करते करते यहाँ 7 + 8, चलो लिख ही देते हैं 8 + 9 + 10, ठीक है। ये इन सब का सम क्या हो जाएगा, इन सब का सम क्या हो जाएगा, इन सब का फॉर्मूला पता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो वही ना हो रहा है यहाँ पे, 7 × n कितना है, 10 है, 10 और n+1 करो इंटू 11/2, 2 से डिवाइड करो, 5 × 55 इंटू 7, 7 × 5 = 35, 7 × 35 = 3, 385। मतलब कि ये क्या आया, ये आया कि ओहो यहाँ हमारा सर्किल ही चला गया, चलो हम सर्किल को ले आए वापस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने डिस्टेंस कवर की है, यहाँ से यहाँ तक, तो हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, यहाँ से यहाँ तक हमने 385 डिस्टेंस कवर कर लिया। हमारा पेरीमीटर कितने का दिया है, हमारा पेरीमीटर दिया है 637 का, 637 में से 385 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। और फिर 13 में से 8 गया 5, 13 में से 8 गया 5, और फिर यहाँ 4 में से 3 गया 1, ठीक है, 5 में से 3 गया 2, सॉरी सॉरी, तो 352 डिस्टेंस हमारा यहाँ बच रहा है, ठीक है। हमारा यहाँ कितना डिस्टेंस बच रहा है, 252 मीटर्स हमारा बच रहा है, 252। अब देखो यहाँ पे हमको 252 ही लाना है, मतलब इससे जितना आगे बढ़ेंगे हम इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे कि हमारा 252 ही तक आगे बढ़े हम लोग, 252। तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, इतना ही डिस्टेंस है हमारे हाथ में कि इतना ही हम लोग को लाना है। तो 70 के बाद कितना डिस्टेंस आएगा, 70 के बाद आएगा 77, ठीक है, 77, लास्ट में 2 आना चाहिए यूनिट प्लेस पे। तो 7 उसके बाद, 77 के बाद देखेंगे तो कितना आएगा, 77 के बाद एक 84 आएगा, 77 के बाद 84 आएगा और फिर 91 आएगा, ठीक है, 77, 84 और 91, इन तीनों को ऐड कर दो, 7 और 4 11 12 के यहाँ पे 2 कर्जा रह गया, 1 मतलब कैरी फॉरवर्ड, 1 8 8 कितना हो गया, 16 16 और 8, 24 24 1 25, 252 हमारा आ जा रहा है। मतलब कि ये जो डिस्टेंस हमारा रहेगा तो यही डिस्टेंस रहेगा। अब देखो मेरे पास मतलब तीन ही डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस, एक डिस्टेंस ये तो पुट कर दिया, दूसरा डिस्टेंस 84 का ये हो गया और तीसरा डिस्टेंस 91 का ये हो गया, ठीक है। कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 91, यहाँ से यहाँ तक की 84, यहाँ से यहाँ तक 77। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे कि देखो 84 यहाँ पे तो इतना ज़्यादा आ गया, कैसे हम लोग, अरे हम लोग ये रफ फिगर बनाया है तो हम लोग को पता नहीं ना कितने लोग इसमें बैठे हुए थे, ठीक है, मतलब किस तरीके से ये लोग सारे बैठे हुए थे, कितने लोग, तो यहाँ तो नाम से काउंट करके तुम निकाल ही लोगे कितने लोग हैं, मतलब किस तरीके से यहाँ बैठे हुए थे वो हमको निकालना है था, ठीक है। तो हमने तो एक रफ बनाया ना, तो हमारा एक रफ स्केच आया ऐसा, ठीक है। अब देखो अब हम लोग किसको पुट कर सकते हैं, हमने ये भी हिंट पुट कर दिया है, हमारा सब चीज़ पुट हो चुका है कि इतने ही लोग आएंगे, ठीक है, इतने ही लोग आएंगे। अब देखो हमको पता है कि आर के फोर्थ टू द लेफ्ट में एस है, तो एक फर्स्ट लेफ्ट, दूसरा पर्सन क्या है यहाँ, सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एस मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एस मेरा यहाँ आ गया। अब हम लोग ये हिंट को भी पुट कर दिया। अब हमको पता है कि यू और जी के बीच में 147 सेंटीमीटर गैप है और यू के लेफ्ट में जी है, सारे इनसाइड देख रहे हैं, सब कोई इनसाइड देख रहा है, तो यू के किधर आ जाएगा जी, यू मेरा यहाँ आ जाएगा, जिसके लेफ्ट में जी मेरा यहाँ आ जाएगा। देखो 70 प्लस
77, कितना इन दोनों का सम करो कितना आता है 147 हमारा सम आता है। तो हमारा सब कोई पुट हो गया यहाँ पे, यहाँ पे ए पुट हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ डी हो गया, यहाँ पी हो गया, सी हो गया, यहाँ पे 1% बचा हुआ है, इस वाले जगह पे 1% बचा हुआ है, यहाँ पे हमको बोला था वन ऑफ द पर्सन इज फैजान, तो फैजान को यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, हमारा ये जो है फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन तुम्हारे कैसे पूछेगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड क्यू, ई और क्यू का, ई एंड बी के बीच में डिस्टेंस क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ए के थर्ड टू द राइट पे कौन बैठा हुआ है, पी के थर्ड टू द लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, सी के आपको सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, सी और वी के बीच का डिस्टेंस कितना है, इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन में सवाल आपको मेंस में आएंगे। तो ये बिल्कुल एक डुएबल क्वेश्चन है। ठीक है, ये बिल्कुल एक डुएबल क्वेश्चन है जो कि अगर मेंस एग्जामिनेशन में आता है तो इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हम तुमको इस तरीके से बनाते हैं ना कि तुम एग्जाम में बनाओगे तो इसी टाइप से बनाएगा तुम्हारा, इस टाइप से नहीं कि एकदम डिस्टेंस यहाँ पे तुम्हारी कम आ गई, एकदम एग्जैक्ट बराबर बराबर डिस्टेंस आ रहा है, ऐसा नहीं ना होगा। हम लोग रफ बना रहे हैं तो रफ ऐसा ही आएगा। देखो 91 डिस्टेंस है, देखो यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई कर दी कि ए और आर के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है, किसी भी बीच के बीच में 91 डिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है ए के इमिडिएटली राइट आ रहा है और इस सर्किल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाते चल रहे हैं तो जाके डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ए और आर के बीच में ज्यादा डिस्टेंस आने ही वाला है। ठीक है, तो ये हमारा पजल सॉल्व हो गया। अगर नए हो चैनल पर तो तुमको चैनल पर हम दिखाई दिया कि क्या क्या चीज़ चैनल पर चल रहा है, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।